रूस यूक्रेन युद्ध की वजह को खंगाले तो सामने नाम आता है नेटो का। नेटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यूक्रेन की नेटो में सदस्यता को लेकर ही रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, क्योंकि रूस यूक्रेन की सदस्यता के खिलाफ था। जिस चाहत को लेकर यूक्रेन रूस से 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से लड़ रहा है, उसके पूरे होने की रही सही उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है, और ऐसा कहना है खुद जेलेंस्की का। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को निकोलेव शहर में यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक बैठक के दौरान ये स्वीकार करते हुए सबको चौंका दिया कि उनका देश कभी भी नेटो में शामिल नहीं हो सकता है। एक सवाल का जवाब देते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा, कोई भी निश्चित रूप से इसका जवाब नहीं दे पाएगा। या तो हम नेटो में रहेंगे या हम नेटो में नहीं रहेंगे। हम ये चाहते हैं, लेकिन जरा इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन की नेटो में सदस्यता के खिलाफ क्यों है। रूस लंबे समय से अपनी सीमाओं की ओर नेटो के बढ़ते विस्तार को एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में देखता रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मौके पर कहा कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना मॉस्को के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। रूस को लगता है कि जिस यूक्रेन की सीमा रूस से लगती है उसका इस्तेमाल नेटो उसके खिलाफ कर सकता है। यूक्रेन के युद्ध जारी रखने के पीछे ये मंशा थी कि उसे नेटो की सदस्यता मिल जाएगी, और अमेरिका समेत नेटो देशों ने शुरुआती दिनों में यही आश्वासन देते हुए युद्ध में मदद देने की भी शुरुआत की थी। लेकिन अब सदस्यता और युद्ध में मदद दोनों मामलों में उनके कदम पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन को अब तक महज आश्वासन ही मिलता रहा है। बुधवार को ब्रुसेल्स में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन ब्लॉक का सदस्य बन सकता है जब सहयोगी सहमत होंगे और शर्तें पूरी होंगी। यूक्रेन नेटो के रास्ते पर है। नेटो देश अब मदद नहीं कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यूक्रेन को हर तरह की मदद देने के बावजूद भी कोई खास उपलब्धि यूक्रेन हासिल नहीं कर पा रहा है। इन सबके बीच में ये बात भी उठ रही है कि पश्चिमी देश यूक्रेन का रूस के खिलाफ महज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने हाल ही में कहा था कि नेटो अपने फायदे के लिए रूस को रोकने के लिए जंग के मैदान में अनगिनत यूक्रेनियों की बलि दे रहा है। नेटो यूक्रेन को रूस के साथ टकराव और इसे नियंत्रित करने का एक साधन बनाए हुए है। अमेरिकी नेतृत्व वाले गुट के सदस्यों ने कई मौकों पर कहा कि अभी भी कीव को स्वीकार करने का सही समय नहीं है। अपने अपने फायदे के इस रणनीतिक खेल में साफ दिख रहा है कि यूक्रेन महज एक मोहरा बनकर रह गया है, जिसे अब तक कुछ हासिल तो नहीं हुआ बल्कि जो था वो भी गंवा चुका है।